आज कोचिंग नहीं गई थी क्या? ओए हाय, कोचिंग तो मैं डेली जाती हूँ जी, तुम ही नहीं जाती हो कोचिंग। तुम्हें सर जी आज पूछ रहे थे कहाँ है, कह रहे थे कि उसका नंबर लगा रहे तो स्विच ऑफ जा रहा है। मेरा नंबर उनके पास कैसे चला गया? अब मुझे क्या पता, नंबर दी होगी तभी तो चला गया होगा। झूठ बोलोगी? मैंने तुम्हारा नंबर दिया है क्या? ओ याद आया, एडमिशन हो रहा था तो मैंने अपना नंबर दी थी। हो सक हाँ, अभी रखो बाबू। कितने लड़के से बतियाती हो जी? कितने का था, कितने से बतियाते? तुम जानती हो से 4 से 5 लड़के होंगे, और कितने से बतियाते? कौन है जी? तुम नहीं बतियाती हो, झूठ बोलोगी। किससे बतियाते हैं? सोनुआ से बतियाती हो, प्रियंशा से बतियाती हो, है? बाकू तो टाइम पास है, उससे खर्चा उर्चा चल जाता है। खर्चा अच्छा चल जाता है, मैं तो किसी से बातें नहीं करती हूँ। और सुनो ना, क्या एक दिन सर जी ना हमको रात में फोन कर दिए थे। हमको लगा ना कि चलो कोई किसी काम से फोन किए होंगे, और जब फोन उठा लिया तो कह रहे हैं खाना खाई हो जी, क्या हो रहा है, सोई हो कि नहीं सोई हो? अब तुम ही बताओ इसका मतलब क्या होगा, समझ लो। मतलब ना, हमको तो पता चल ही गया था कि जिस एंगल से बतिया रहे थे, हमको तो पता चल गया था क्या चाह रहे हैं। देखो सर जी, कोई ये बात पूछता है कि खाना खाई हो, तबीयत कैसी, ये क्या मतलब है बताओ? वही सोच रहे थे। एक के सर जी बहुत महंगा है, तुम मानो हम अगली बार से कोचिंग उनमें पढ़ेंगे ही नहीं, हम ही नहीं जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें से। इसलिए कि हमको वो भी मना कर रहा था, सुधांशु कह रहा था इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग देवरिया पढ़ेंगे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में। हाँ, वहीं पे जाके पढ़ेंगे, ये तो बिगाड़ देगा सभी लड़कियों को, जानते हो चिलबिलिया को। अरे बाप रे बाप, उसको तो सर जी हम जानते हैं, मिलती होती है सर जी से 7 बजे ना, वो निकल जाती है कोचिंग, 9 बजे से कोचिंग है। ये बताओ 7 बजे जाके क्या करते होंगे सब, तुम ही बताओ। पढ़ाई कर रही होगी। नीलेश हमसे कह रहा था कि पढ़ाई नहीं करती है, 7 बजे चली जाती है, और बताओ 9 बजे से कोचिंग है, 7 बजे चली जाती है। अब तुम ही जान जाओ क्या करती। हम लोग तो नहीं पढ़ेंगे उस कोचिंग में, हम भी नहीं पढ़ेंगे, इस बार निकल जाएंगे। हाँ।